हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो काइट रिलेटेड वीडियो ही है थोड़ा। और एक्चुअली ये काइट मेकिंग का वीडियो नहीं है, ये थोड़ा काइट मटेरियल्स का थोड़ा एक डिटेल्स होगा। अच्छा, और एक पहले बात बता दूं, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो हिंदी में होगा, तो मेरा जो काइट का लवर है या दोस्त लोग है वो ज़्यादातर हिंदी में है और कलकत्ता के बाहर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं जो वीडियो काई रिलेटेड बनाऊं तो वो थोड़ा हिंदी में बनाऊं, तो उन लोग को समझने में अच्छा ही होगा। और हम लोग का जितना बंगाली फ्रेंड है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो जितना करूँगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, आ जाते हैं अभी टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि काइट के बनाने के लिए जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं वो दो तरह का होता है, 4.3 और 4.7, अजंता और खातिमा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर ऐसा आता है जो थोड़ा बहुत एंटिक है, मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक पेपर मुझको मेरा एक अजीज दोस्त है, दिल्ली में से बिलोंग करते हैं, उसका नाम हर्ष है, तो हर्षवर्धन हर्ष है वो मेरा, वो मुझको कुछ पार्सल में कुछ एंटिक पेपर का कलेक्शन भेजा है। मैं मुझको भेजता रहता है, मैं उसको कुछ पतंग बना के देता हूँ, तो वैसा ही कुछ पतंग का भेजा है जो अभी कभी आप देख नहीं पाते हैं वो पेपर, और एंटिक भी होता है। एक्चुअली वो डायरेक्टली पेपर यूज नहीं होता है काइट मेकिंग के लिए, लेकिन ये क्राफ्टेड में यूज होता है, लेकिन ये कॉस्टली है। तो ऐसा ही एक पार्सल मेरे पास आज आया है, आप देख पाएंगे, ऐसा एक पार्सल आया है। मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करूंगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो ये जो पेपर है वो काइट में थोड़ा डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो चलिए पहले हम लोग आज देख लेते हैं इसमें क्या क्या पेपर वो भेजे हैं और क्या एक्चुअली क्वालिटी है और क्या उस इससे क्या हो सकता है पतंग का। अच्छा, और ये मेरा न्यू न्यू चैनल है, थोड़ा आप देखिएगा, ये इस वीडियो का पूरा देखिए तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि एक्चुअली पेपर होता कैसा है और कॉस्टली पेपर नॉर्मली जो होता है वो एक्चुअली होता कैसा है। चलिए बताओ इसमें क्या है, तो इसको पहले जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। एक्चुअली इधर से खोलना पड़ेगा, माय गॉड, इसमें तो बहुत सारा एंटीक पेपर है भाई, सच में। मतलब मैं तो बहुत दिन से पतंग बनाता हूँ, तो आप लोग तो अभी देखेंगे, मैं ही कभी ऐसा पेपर देखा नहीं है। देखिए चलिए पहले इसको, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा इतना सारा है, कुछ कुछ करके जाए। अच्छा इसको अभी साइड में रख देते हैं। चलिए देखिए, पहले रोल में आया है, पहले ना सब पेपर को मैं क्या करता हूँ, अलग कर लेता हूँ, मतलब कौन सा क्वालिटी का है। देखिए ये वाला एक है। अच्छा अच्छा, पहले ये वाला एक है। ओह माय गॉड, देखिए क्या आया है पेपर, ये ऐसे, ये क्या है, मतलब ये जो आपका सिल्वर होता है ना, एकदम सिल्वर का स्ट्रक्चर का पेपर है, ठीक है। ये मेरे पास आया है 1, 2, 3, निहायत ही बहुत कॉस्टली है। अच्छा ये ना बम्बू पेपर है, एक तरफ का स्ट्रक्चर देखिए, ये बम्बू पेपर है और एक तरफ का सिल्वर है, और इसका ग्लेज देखिए, इसका इसका ग्लेज देखिए, ठीक है ना। और इसका थिकनेस बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, और इसका स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको पता नहीं ये बम्बू पेपर ही होगा, क्योंकि पहले वाला जो बम्बू पेपर आया था वो टिबेटियन बम्बू था, उसका स्ट्रक्चर है, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली ना ये सब थोड़ा एंटिक है, ये क्राफ्टेड में यूज़ होता है और इसको मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक एक सीट बहुत बहुत कॉस्टली है। अच्छा चलिए इसको पहले साइड में रख देते हैं। अच्छा अभी इसमें
हाँ ये वाला भी बाम्बू पेपर है, ये सब पेपर का। अच्छा देखिए, वाओ इसका कलर देखिए दोस्तों, इसका कलर देखिए, इसका ये जो पेपर है इसमें ना आपका बम्बू का जो बांस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको दिखेगा। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या है, इसमें दोनों तरफ का सेम है, दोनों तरफ, इसमें भी और इसमें भी। और ये हम हाथ से, इसको लग रहा है ये दोनों तरफ का एक ही है, अब थोड़ा मोटा भी है। इसमें अगर मांग जोड़ेंगे या कुछ चांद जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। ये भी एक बम्बू पेपर है लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा अलग है, ये उससे थोड़ा मोटा है, लेकिन इसका कलर बहुत बेमिसाल है। आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि इसका कलर कैसा है, हम तो देख रहे हैं डायरेक्ट, मुझको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ये हमको दिया है फर्स्ट ने 3 पीस, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में, इसको साइड में रख देते हैं। अच्छा वाओ देखिए दोस्तों क्या कलर है, अब मतलब मैं तो, मेरा आंखें एकदम भगभगा जा रहा है। ओ माय गॉड, ये पेपर देखिए, इसका इसका ट्रांसपेरेंसी देखिए, ओ माय गॉड देखिए, ये भी बम्बू पेपर है लेकिन ये प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड है, आप देख पा रहे हैं प्रिंटेड है दोनों तरफ से, जैसे होता है ना वो प्लास्टिक होता है वैसा है। और इसमें ना आप टेक्सचर देख पाएंगे, और ये जो फ्लावर है ये प्रिंटेड है, ये भी बम्बू पेपर है लेकिन टेक्सचर अलग है। देखिए कितना अच्छा पेपर है, हाँ मतलब आप सोच नहीं पाएंगे ये सामने में दिखने में कैसा होगा। थैंक यू हर्ष भाई, आप इतना कॉस्टली पेपर ये कहाँ से कलेक्ट किए, वही मतलब देखने में लग रहा है कि ये तो हम देखते नहीं कभी और मिलता भी नहीं हम लोग को। देखिए चलिए ये आया है मेरे पास 3 पीस, ठीक है ना। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर। अच्छा ये भी पेपर, ओ मतलब सभी बाम्बू पेपर का अलग 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 स्ट्रक्चर का है। हाँ ये वाला मैं आप बाद में आता हूँ, ये वाला मेरे पास था पहले वाला भेजा था। ओके ये 1 2 3, अच्छा ये वाला एक देख लेते हैं सबको। अच्छा ये भी वैसा ही है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका प्रिंट अलग है। देखिए ये वाला सिल्वर का ऊपर सिल्वर है, देखिए सिल्वर सिल्वर है ना। देखिए दोनों तरफ का एक ही टेक्सचर होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये वाला मुझको दिया है 3, मतलब 3 3 करके दिया है। अच्छा चलिए ये वाला मेरे पास था पहले, ये एक्चुअल बम्बू पेपर है, तिब्बती बम्बू, ये वाला मेरे पास आया था मतलब हर्ष ने दिया था। ये ऑरेंज कलर में आता है, ठीक है ना। और इसका जीएसएम ना 18 GSM से कम है, तो बहुत सारे बम्बू पेपर है जो अवेलेबिलिटी होता है कभी कभी किसी के पास, लेकिन वो इतना मोटा हो जाता है वो पतंग में आप यूज नहीं कर पाते, फट जाता है या भारी हो जाता है, लेकिन इसका वैसा नहीं है, ये 18 GSM से नीचे है। मार्केट में जो मिलता है वो मोटा है लेकिन ये 18 GSM से नीचे है। इसका स्ट्रक्चर भी देखिए कितना अच्छा है, ये भी 3 पीस दिया है, ठीक है ये भी 3 पीस दिया है। देखिए चलिए इसको साइड में रखते हैं, मतलब बम्बू पेपर का भी बहुत कलेक्शन हो गया। अच्छा अभी आ जाता है प्रिंटेड बटर पेपर, देखिए वाओ ये तो बहुत सारा है, माय गॉड इसका एक शीट निकाल लेते हैं। अच्छा ओ माय गॉड देखिए ये कितना अच्छा है, ये प्रिंटेड बटर पेपर है, जो लोग जानते हैं तो जानते हैं, ये बटर पेपर ना ये थोड़ा अलग है। पहले वाला पतंग में ऐसा आता था बहुत पहले, लेकिन वो रेयर है। अभी जो बटर पेपर आता है कोई कोई लेके आता है, लेकिन वो इतना मोटा नहीं है, ये बहुत मोटा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये थोड़ा अलग है, इस इधर इधर भी स्ट्रक्चर है, इधर भी स्ट्रक्चर, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। और इसका पेपर का वजन भी होगा पतंग में, ये इसमें अगर मांग जोड़ेंगे या छोटा मोटा डिजाइन जोड़ेंगे तो आपका ये बहुत फायदा में आएगा। ये तो बहुत क्वांटिटी में दिया, मैं अभी गिन नहीं पाऊंगा, बहुत क्वांटिटी में है ये वाला, ज्यादा से ज्यादा ये कितना होगा मैं एक बार देखा देता हूँ।
होगा 24 पीस तो होगा ही, मतलब एक दिस्ता दिया है। ठीक है चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अच्छा अब अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर में। देखिए दोस्तों क्या पेपर है, रिप्टाइल होता है ना जैसा स्नेक, स्नेक का बॉडी जो होता है वैसा है ये वाला। ओ माय गॉड, ये वाला भी बटर पेपर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो मतलब कॉमन नहीं है, मैं देखा नहीं कभी किसी के पास, वो वाला देखा था पहले। देखिए ये जैसा स्नेक होता है ना स्नेक का वैसा है, और इसका भी थिकनेस बहुत बढ़िया है। इसका ग्लेज देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग कैसे देख पा रहे हैं या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मैं हाथ में देखता हूँ, देखता हूँ ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें जब पतंग बनेगा तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा, बहुत अच्छा पतंग बनेगा। चलिए इसमें वैसा ही बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब मेरे हिसाब से ये तो अच्छा। देखिए कितना दिन, ये देखिए कितना दिन ये रखा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर दाग आ गया। देखिए एक पेपर के ऊपर, ये देखिए ये रखा था मेरे लिए, वो भेज नहीं पाया, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अभी देखिए कितना बढ़िया है। हर्ष भाई अगर आप देख पा रहे हैं ये वीडियो तो मेनी मेनी थैंक्स भाई। देखिए मैं एक मेकर हूँ और शौक से पतंग बनाता हूँ, अगर ये सब चीज़ हाथ में आ जाए तो जो पतंग दिल से बनेगा तो वो तो एंटिक होगा ही होगा, और इसको रख के बहुत ध्यान से इसको यूज करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है तो बहुत सारे पतंग का पेपर भेजा है। ठीक है अच्छा अभी चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके बाद ये पतंग पे जब पतंग बनेगा ये पेपर में हम आप लोग को दिखाएंगे, हर्ष भाई को भी भेजेंगे। और मेनी मेनी थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये पेपर मुझको भी पता नहीं था कैसा है, क्या है, क्यों नहीं है, लेकिन जो भेजा है मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो ठीक है इस पे जो काम करूंगा, इसका क्वालिटी कैसा है, कैसे काम होता है, मैं बताऊंगा। और अगर आप कुछ इसके बारे में कुछ जानना है पेपर के बारे में, आप हर्ष भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर्ष भाई को सब पहचानते हैं। ओके थैंक यू, एंड थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरा नया चैनल है, मैं तो एक्चुअली पतंग बनाता हूँ तो वीडियो भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी स्टार्टिंग किया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी बाहर का मेरा दोस्त लोग है, मुझसे ज़्यादा बड़ा है, सीनियर लोग है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आप कर दीजिएगा। मैं बंगाली में वीडियो करता हूँ तो आप लोग के लिए अभी हिंदी में कर रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पतंग का वीडियो हिंदी में होगा। इससे अलावा मेरा ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग भी आएगा, वो ज़्यादा बंगाली में होगा। तो थैंक यू, चलिए बाद में फिर से आपको देखा होगा। बाय बाय।